हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं साइमा X5 UW ड्रोन को। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसके बॉक्स पर शो किया गया है कि इसमें वाईफाई रियल टाइम ट्रांसमिशन है और इसमें आपको मिलता है 720 पिक्सल का एक कैमरा। और दोस्तों, बाकी फंक्शन आप यहां पर इसके देख सकते हैं। इसमें मिलता है आपको ऐप कंट्रोल, FPV ट्रांसमिशन, 360 फ्लिप, हैंडलेस मोड और बैरोमीटर हाइट सेट और एक HD कैमरा और 2.4 GHz की फ्रिक्वेंसी। तो बाकी दोस्तों, आप इसके बॉक्स को अच्छी तरह से देख लीजिए और बाकी फंक्शन मैं आपको धीरे धीरे आगे आने वाली वीडियो में बता दूंगा। दोस्तों, ये जो ड्रोन है ये मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया है। अगर आपको भी ये परचेज़ करना है तो उससे पहले आप इस पूरी वीडियो को देख लीजिए, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि ये ड्रोन कैसा फ्लाई करता है और इसका कैमरा कैसा है। तो यहाँ आप इसे पीछे से देख सकते हैं, इसके रिमोट के फंक्शन के बारे में अच्छी तरह से बताया गया है कि इसका रिमोट क्या क्या वर्क कर सकता है, पूरे फंक्शन के बारे में अच्छी तरह से बताया हुआ है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमें दो बार कोड शो किए गए हैं जो कि इस ड्रोन की साइमा गो ऐप को डाउनलोड करने के लिए यूज़ होते हैं। तो चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, ये है हमारे ड्रोन, रिमोट और कैमरे का इंस्ट्रक्शन मैनुअल। दोस्तों, इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में बताया गया है कि रिमोट की कौन सी की क्या काम करती है और ड्रोन को कैसे फ्लाई करना है और ड्रोन का कैमरा कैसे वर्क करता है। तो दोस्तों, ये तो मैं अभी आगे वीडियो में आपको बता दूंगा, आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी इसे पढ़ना मुमकिन नहीं है। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारा सामान है, तो चलिए इस सभी सामान को मैं इस बॉक्स से बाहर निकाल लेता हूँ। तो चलिए अब मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है पहला पैकेट। इसके अंदर हमें मिलता है एक कैमरा जो कि हमारे ड्रोन का 720 पिक्सल का कैमरा है। तो देख सकते हैं इसकी एकदम प्रीमियम क्वालिटी है और लुकिंग भी बहुत बढ़िया तरीके से बनाई हुई है। ये ड्रोन में लगने के बाद बहुत ही बढ़िया लगेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है दूसरा पैकेट। इसके अंदर हमें शायद एक चार्जर मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है एक चार्जर जो कि एक USB चार्जर है। इससे हम ड्रोन की बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, तीसरा पैकेट। इसके अंदर हमें मिलती हैं चार प्रोपलर्स। तो जब हमारे ड्रोन की प्रॉपर डैमेज हो जाएंगी तब हम इनका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है इसका चौथा पैकेट। तो दोस्तों, इस ड्रोन के साथ हमें काफ़ी सारा सामान मिलता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, चौथे पैकेट में हमें मिलते हैं ड्रोन के प्रॉपर गार्ड्स और एक मिलता है स्क्रू ड्राइवर। तो प्रॉपर गार्ड को देखिए कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लगा देना है, जिससे आपकी प्रॉपर डैमेज नहीं होती हैं और इसकी स्क्रू ड्राइवर से आप अपने ड्रोन को रिपेयर वगैरह कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने सभी चीज़ों को अच्छी तरह से देख ही लिया है, तो चलिए मैं आपको अब रिमोट भी अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें दो जॉयस्टिक हैं। फर्स्ट वाली जॉयस्टिक से आप ड्रोन को अप एंड डाउन एंड रोटेट कर सकते हैं और सेकंड वाली जॉयस्टिक से फॉरवर्ड, बैकवर्ड एंड लेफ्ट राइट कर सकते हैं। और मिडल बटन जो है उससे आप ड्रोन को ऑन कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्लिप स्पीड और कैमरे के लिए बटन दिए हुए हैं। और बाकी पीछे की साइड में आप इसमें बैटरीज डाल सकते हैं। और यहाँ ऊपर इसमें आपका कैमरे का स्टैंड लगता है। तो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ कि कैमरे का स्टैंड आपको किस तरह से लगाना है। तो देखिए, ये हमें इसी के साथ मिलता है। तो देखिए, कुछ इस तरह से आपको इसमें इसे लगा देना है और इस क्लिप के अंदर अपना मोबाइल लगा देना है। जब आप इसमें मोबाइल लगा देंगे तो आपके ड्रोन में जो कैमरा लगा होगा उसकी फुटेज आपको आपके मोबाइल पर दिखाई देगी वाईफाई के थ्रू। तो अभी मैं आपको ड्रोन दिखा देता हूँ अच्छी तरह से, ड्रोन में क्या क्या फंक्शन है। प्रॉपर क्वालिटी आप देख सकते हैं, प्रॉपर की क्वालिटी बहुत ही बढ़िया बनाई गई है। दोस्तों, ये डैमेज होने वाली नहीं है, फिर भी हमें प्रॉपर गार्ड इसके साथ दिए हुए हैं। और यहाँ पर आप बीच में देखेंगे तो साइमा की ब्रांडिंग की हुई है और बाकी एक ऑन ऑफ का बटन भी है उसी के ऊपर जस्ट। और यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो आपको मिलता है देखिए कैमरे के लिए सॉकेट। तो जो कैमरा मैंने अभी आपको दिखाया था उसे यहाँ पर आप लगा सकते हैं। देखिए, ये जो केबल है ये आपको सिंपली यहाँ पर कुछ इस तरह से लगा देनी है और इसके बाद आपको इस कैमरे को भी यहीं पर अटैच कर देना है, देखिए कुछ इस तरह से। तो दोस्तों, ड्रोन में कैमरा लग चुका है। और कैमरे के जस्ट पीछे आप देखेंगे तो आपको मिलता है एक मेमोरी कार्ड स्लॉट। आप चाहें तो मेमोरी कार्ड में भी आप इसका कैमरे की फुटेज को सेव कर सकते हैं, नहीं तो आपके मोबाइल में ही डायरेक्ट विदाउट मेमोरी कार्ड के सेव हो जाती है फुटेज। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके ड्रोन की जो स्टैंड है वो बहुत ही बढ़िया और मजबूत हैं। देखने में काफ़ी पतले लगते हैं, देखने में ऐसे लगते हैं जैसे बहुत कमज़ोर हो, लेकिन कमज़ोर नहीं है दोस्तों, काफ़ी मजबूत बनाए गए हैं। और दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, इस बटन को प्रेस करके इसे खींचेंगे तो यहाँ पर निकलती है इसकी बैटरी।
तो बैटरी को आप दोस्तों देखेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा कि कितने mAh की है। इसके जस्ट सामने ही लिखा है, वाइट पे लिखा है, तो आपको नहीं दिखाई देगा। मैं आपको बता देता हूँ कि 3.7 वोल्ट 500 mAh की बैटरी है जो आपको 8 से 10 मिनट का फ्लाई टाइम इजीली दे देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें जो चार्जर मिलता है और बैटरी के अंदर भी एक चार्जिंग सॉकेट है, उसे हमें यहाँ पर अटैच कर देना है, देखिए कुछ इस तरीके से, और किसी भी USB चार्जर की मदद से इस बैटरी को चार्ज कर लेना है। आप देख सकते हैं चार्जर में रेड कलर की लाइट जल रही है, तो दोस्तों यही लाइट इंडिकेट करती है कि हमारी बैटरी जो है वो फुल चार्ज हो चुकी है। फुल चार्ज होने के बाद आपको इसे वापस से ड्रोन के अंदर ही लगा देना है। तो दोस्तों बैटरी लगाना बहुत ही आसान है, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ, आपको वापस से बैटरी को इसी तरह से लगा देना है। देख सकते हैं बैटरी लग चुकी है। तो चलिए दोस्तों अब लगा लेते हैं अपने ड्रोन में प्रॉपलर गार्ड्स। दोस्तों प्रॉपलर गार्ड लगाना बहुत आसान है, जैसे कि मैं लगा रहा हूँ, आपको भी वैसे ही लगा लेते हैं। दोस्तों प्रॉपलर गार्ड से हमारी प्रॉपलर सेफ रहती हैं, टूटती नहीं है, लेकिन ये ड्रोन काफ़ी स्टेबल है तो इसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम फ्लाई करते हैं ड्रोन को तो आप प्रॉपलर गार्ड लगा के ही फ्लाई कीजिएगा। तो जैसे कि देख सकते हैं प्रॉपलर गार्ड इसमें अच्छी तरह से लग चुके हैं। तो चलिए अब डाल लेते हैं अपने रिमोट में हम बैटरीज। दोस्तों इस रिमोट में आप चार्जेबल और नॉन चार्जेबल दोनों में से कोई भी बैटरी डाल सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस ड्रोन के साथ भी हमें कोई बैटरी नहीं मिली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार बैटरीज इसमें डलती हैं, तो अभी हम इसमें नॉन चार्जेबल बैटरी डाल रहे हैं। दोस्तों वैसे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये बैटरी कम से कम 6 महीने ईजिली चल जाती है एक बार डालने पर, तो मैं तो इसमें नॉन चार्जेबल बैटरी ही यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अपने रिमोट में बैटरी डाल ली है। तो चलिए आप देख लेते हैं रिमोट को ऑन करके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं रिमोट के अंदर एक इंडिकेटर लाइट जल चुकी है, तो रिमोट ऑन हो चुका है। तो चलिए दोस्तों ड्रोन की ऐप डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप इसके पीछे देखेंगे तो आपको दो बार कोड मिलेंगे, एक एंड्रॉयड के लिए है और दूसरा वाला iOS के लिए है। तो हम एंड्रॉयड वाले को स्कैन कर लेते हैं जिससे कि हम एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कर सकें इस ड्रोन की। तो आपको सीधा बार कोड स्कैनर में जाना है, जैसे कि मैं आपको जाके दिखा देता हूँ। दोस्तों सबके मोबाइल में एक बारकोड स्कैनर होता है, या तो कैमरे में होता है या फिर अलग से ऐप होती है। तो आपको इसे स्कैन कर लेना है उससे, और आपको एक लिंक मिलेगा, आपको इस लिंक पे क्लिक करके प्ले स्टोर पर जाके इसे डाउनलोड कर लेना है। मैं पहले से ही कर चुका हूँ तो मैं आपको दिखा देता हूँ, साइमा गो ऐप है ये, मैं पहले से ही डाउनलोड कर चुका हूँ। तो दोस्तों यही वो ऐप है जिसपे हमारे ड्रोन का वाईफाई के थ्रू कैमरा मोबाइल पर आता है। तो अभी हमने इसे इंस्टॉल कर लिया है, अब हम सबसे पहले अपने मोबाइल को अपने रिमोट में लगा लेते हैं। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसे हम रिमोट में लगा लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं हमारा जो मोबाइल है वो रिमोट में अच्छी तरह से लग चुका है। तो चलिए दोस्तों कर लेते हैं ऑन अपने ड्रोन को। तो आपको ऑन के बटन को 2 सेकंड के लिए प्रेस करना है। तो देख सकते हैं ड्रोन ऑन हो चुका है। दोस्तों अब आपको अपने मोबाइल की वाईफाई सेटिंग में जाना है और वाईफाई को ऑन करना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा ड्रोन का वाईफाई, आपको इसे कनेक्ट कर लेना है, और जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे उसके बाद आपको गो ऐप को ओपन करना है। तो सबसे पहले अब आपको करना है रिमोट को ऑन, और फर्स्ट वाली जो स्टिक को अप एंड डाउन, और अब आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं हमारे जो ड्रोन का कैमरा है वो मोबाइल पे आ चुका है। तो देख ही सकते हैं, मैं आपको चारों तरफ करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं अच्छी तरह से काम कर रहा है कैमरा, बिल्कुल भी लैगिंग नहीं है कैमरे में। तो जैसा कि आप दोस्तों मोबाइल में देख सकते हैं, मोबाइल में एक तरफ आपको मिलता है फ़ोटो के लिए ऑप्शन, और दूसरी साइड मिलता है वीडियो बनाने के लिए ऑप्शन। तो जैसे ही आप इनमें से किसी पे भी क्लिक करेंगे वही होना शुरू हो जाएगा। और बाकी दोस्तों इसमें देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप रिमोट की जगह ड्रोन को मोबाइल से भी फ्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों फर्स्ट वाली जो स्टिक को आप जैसे ही ऊपर करते हैं तो देखिए ड्रोन स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों लेके चलते हैं इस ड्रोन को ग्राउंड में और करते हैं इसकी फ्लाइंग टेस्टिंग और कैमरा टेस्टिंग। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं हम ड्रोन को ग्राउंड में लेके आ चुके हैं। तो चलिए हम अपने ड्रोन को टेक ऑफ कर लेते हैं। तो देख सकते हैं ड्रोन टेक ऑफ हो चुका है, और यहाँ पर आप इसकी स्टेबिलिटी देख सकते हैं दोस्तों, एकदम कमाल की स्टेबिलिटी है इस ड्रोन की, मतलब ये एकदम हवा में रुक जाता है एक जगह पे। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी बैटरी की। तो दोस्तों इसकी जो बैटरी है, इसी के साथ हमें एक चार्जर मिलता है जिससे हम इसकी बैटरी को 25 से 30 मिनट में फुल चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप इस ड्रोन को 8 से 10 मिनट लगातार फ्लाई कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फ्लाई टाइम है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसके रिमोट की रेंज की।
तो दोस्तों इसकी जो रिमोट की रेंज है, क्योंकि इसका जो रिमोट है वो 2.4 GHz में आता है, तो आपको रिमोट की रेंज 80 से 100 मीटर की इजीली मिल जाती है। तो 80 से 100 मीटर का काफ़ी बड़ा एरिया होता है जिसमें आप इसे आसानी से फ्लाई कर सकते हैं। और सेम ही आपको इसके कैमरे की फुटेज भी मिल जाती है। तो चलिए मैं आपको एक बार इसकी स्टेबिलिटी टेस्ट करा देता हूँ। तो देख सकते हैं मैं आपको रिमोट दिखा रहा हूँ और मैं इसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ, तब भी ये कितने बढ़िया से उड़ रहा है। तो चलिए मैं इसे पास में लेके आता हूँ और फिर इसकी स्टेबिलिटी आपको दिखाता हूँ कि ये कैसा फ्लाई करता है। तो अब आप देख सकते हैं मैं इसे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर रहा हूँ। देखिए रिमोट की कोई भी की मैं प्रेस नहीं कर रहा हूँ और फिर भी देख सकते हैं ये एक जगह पे रुका हुआ है। इसे ही दोस्तों कहते हैं हैंडलेस मोड। और दोस्तों जो बैरोमीटर हाइट सेट होता है वो इसकी आप फर्स्ट वाली जॉयस्टिक से, अगर आप फर्स्ट वाली जॉयस्टिक को ऊपर करेंगे थोड़ा सा तो ये थोड़ा और ऊपर रुक जाएगा, और थोड़ा सा और ऊपर करेंगे तो और ऊपर जाकर रुक जाएगा। तो यही होता है बैरोमीटर हाइट सेट। तो चलिए दोस्तों इस ड्रोन को लेके चलते हैं थोड़ा सा ऊपर और देखते हैं कि ये कैसा फ्लाई करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये ऊपर भी बिल्कुल परफेक्टली फ्लाई कर पा रहा है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस ग्राउंड में थोड़ी थोड़ी हवा चल रही है, उसके बाद भी ये इतना स्टेबल फ्लाई कर रहा है। अगर बिल्कुल भी ग्राउंड में हवा ना हो तो आप इसकी स्टेबिलिटी का अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि कितना स्टेबल फ्लाई करता है। तो जैसा कि दोस्तों आपने देख ही लिया है कि मैं इसे ग्राउंड में चारों तरफ फ्लाई कर चुका हूँ और काफ़ी ऊपर भी मैं इसे ले जा चुका हूँ। तो दोस्तों आप देख ही सकते हैं मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं लगी है, ना ही मुझे इसकी रेंज की दिक्कत लगी है, और ना ही ये लगातार फ्लाई करता करता बीच में नीचे गिर जाता है, क्योंकि ये A1 की टेक ऑफ है और इसमें आपको बैरोमीटर हाइट सेट भी मिलता है। तो दोस्तों इस ड्रोन के गिरने का तो मतलब ही नहीं बनता। तो चलिए दोस्तों देरी ना करते हुए कर लेते हैं इस ड्रोन के कैमरा की टेस्टिंग। तो जैसा कि दोस्तों आप देख ही सकते हैं ये है हमारे ड्रोन का कैमरा। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया क्वालिटी आ रही है इसकी लो प्रोफाइल में। और ये जो कैमरा है ये आपको 2 MP और इसकी रेजोल्यूशन मिलती है आपको 720 pixels। तो टोटल मिला के दोस्तों काफ़ी ठीक ठाक क्वालिटी है इसकी, और स्टेबिलिटी भी आपको देखिए काफ़ी अच्छी मिल जाती है। और ये जो दोस्तों कैमरा है ये एक वाईफाई कैमरा है, तो आपके मोबाइल पे ही सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, आपको कोई भी मेमोरी कार्ड की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों इस ड्रोन के कैमरे में आपको एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन मिलता है, अगर आप उसमें मेमोरी कार्ड लगा के रिकॉर्डिंग करते हैं तो आपके मोबाइल में तो रिकॉर्ड होता ही है लेकिन आपके मेमोरी कार्ड में भी साथ ही में रिकॉर्ड हो जाता है। दोस्तों मेमोरी कार्ड का ऑप्शन इसलिए दिया गया है कि ड्रोन जब आपकी रेंज से बाहर हो जाता है तो जो ड्रोन के कैमरे का ट्रांसमिशन होता है वो आपके मोबाइल पे शो नहीं होता है, जिससे आप मोबाइल पे इसके कैमरे को रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। और अगर आपका मेमोरी कार्ड ड्रोन के कैमरे में लगा होगा तो भले ही आपने मोबाइल में आपके रिकॉर्ड ना हो लेकिन आपके मेमोरी कार्ड में पूरी फुटेज आपको मिल जाती है, तो इसीलिए मिलता है हमें मेमोरी कार्ड का ऑप्शन। बाकी दोस्तों अगर आपको ये ड्रोन अच्छा लगा हो और आप इसे परचेज करना चाहते हो तो मैंने इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, आप लिंक को फॉलो करके सीधा अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पे जाके इस ड्रोन को परचेज कर सकते हैं। दोस्तों हो सकता है इसका प्राइस बढ़ गया हो या हो सकता है इसका प्राइस घट गया हो, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ ये जो ड्रोन है ये मैंने 4500 रुपये का अमेज़ोन से परचेज किया था। दोस्तों प्राइस इनके अप डाउन होते रहते हैं, तो आप देख लेना, तब इसका प्राइस कम हो तब आप इसे परचेज करना।